दोस्तों, अगर आप हरिद्वार जा रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिससे आप हरिद्वार आने में आपको आसानी तो होगी, लेकिन यहाँ पर रहने में भी आपको बहुत अच्छा फील होगा। और दोस्तों, किन लोगों से आपको सावधान रहना है, दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। किन लोगों से आपको सावधान रहना, नहीं तो भाई आप लुट जाओगे। ठीक है, आप पक्का लुट जाओगे अगर हरिद्वार आओगे तो। और दोस्तों, हरिद्वार में घूमने की जगह बेस्ट कौन सी है, ये भी आपको हम बताने वाले इस वीडियो में। अब दोस्तों, जैसे कि आप लोग हरिद्वार आते हो, है हरिद्वार में आप हरिद्वार घूमिए, बाबा की नगरी है हरिद्वार, और वहीं से कुछ ही दूर पे ऋषिकेश है, वहां पर आप चले जाइए। मतलब कि अगर वहां पर आप आते हो तो बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने की। लेकिन सावधान भाई, आपको एक चीज आपको बता दे, अगर आप हरिद्वार आते हो तो हाँ, थोड़ा सा मतलब कि ज्यादा इधर उधर मतलब मत घूमना, क्योंकि बरसात का मौसम है, पानी कहीं से भी आ सकता है। ठीक, तो आप लोग सावधान रहें, ज्यादा मतलब झील में ना जाएं कि आप सोचो उधर पानी आ रहा है, चलो नहाने चलते हैं या कुछ करने एंजॉय करने चलते हैं, तो ऐसी जगहों पर आप मत जाना। ठीक, क्योंकि बरसात का मौसम है, कभी भी किसी वक्त कितना भी पानी आ सकता है और ये आपकी जान भी ले सकता है। तो दोस्तों, आप लोग हरिद्वार अगर जाना चाहते हो तो इन बातों का ध्यान रखना, आप सतर्कता पूर्वक आप लोग स्नान करें और बाबा की नगरी में घूमें। अब दोस्तों, किन लोगों से आपको सावधान रहना, ये भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि किन किन लोगों से आपको सावधान रहना। दोस्तों, जैसे कि बाबा की नगरी है, बाबा की नगरी में बहुत लोग आते हैं, ठीक है, चोर भी आते हैं, बहुत ही लोग आते हैं, मतलब चोरी बहुत होती है। अब जैसा कि अगली बार क्या हुआ था, मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बताया गया था कि जो हमारे कांवरिया हैं, उनकी ही ड्रेस में, जो कांवरिया होते हैं उनकी ही ड्रेस में चोर भी लेटे हुए थे साथ में। किसी ने फोन चोरी कर ली उनकी है, किसी ने क्या चोरी की है, किसी ने पर्स मारा है। तो दोस्तों, आपको एक चीज हम बताना चाहेंगे कि जितने भी भाई हैं वो कांवरिया की ड्रेस में आ जाते हैं, ठीक है, और साथ में लेट जाते हैं। और फोन भाई रात में, पता है कि जितने भी लोग होते हैं पैदल चलते हैं और वो पूरी तरह से थके होते हैं। अब चोर क्या कहते हैं, फोन ही मार लेते हैं। और वो पुलिस ने पकड़ा जब उन्हें, तो बहुत ही सारे फोन उन्होंने बरामद किए। तो अपने फोन और अपने सामान का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है, और चोरों से सावधान रहना। और हाँ, आप लोग सतर्क बिल्कुल रहना, सतर्क इसमें रहना कि अगर आप हरिद्वार जाते हो भाई, देखो थोड़ा सा पानी नहीं रहता है, गंगा जी में बहुत सारा पानी रहता है, तो आप लोग उसे इंजॉयपूर्ण मत लीजिएगा, आप लोग इंजॉय के लिए मत लीजिएगा, बस ये सोचो कि मैं बाबा की नगरी में आया हूँ और मुझे क्या करना है कि मुझे थोड़ा सा स्नान करना है, स्नान करने के बाद पूजा पाठ करना है और अपनी यात्रा के लिए चल देना है। और हाँ भाई, एक और सूचना ये है कि जो भाई आ रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है, फिलहाल मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, और अभी ही बता देते। खुशखबरी ये है कि जितने भी लोग आ रहे हैं, ये मान के चलो कि आपको सिर्फ किराया आने और जाने का ही खर्चा लगेगा वहां पर, और थोड़ा बहुत अपना खर्चा लगेगा, बाकी ज्यादा नहीं लगेगा। क्योंकि बहुत लोग सोचते होंगे कि भाई वहां पर होटल में खाना होगा, होटल में रहना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिसिन भी आपको फ्री मिलेगी, ठीक, खाना भंडारे चला करते हैं, आपको खाना फ्री मिलेगा, और भाई आपको क्या क्या बताएं, बस यही होता है एक आदमी का जो बाहर से आता है, वही सोचता है, बस खाने की ही व्यवस्था सोचता है सबसे पहले भाई, तो खाने और रहने की भाई भी व्यवस्था रहती है। क्योंकि जहां पर कांवरिया रुकते हैं वहां पर आप भी रुक जाइएगा, और हो सकेगा तो आप एक छोटा सा काम करिएगा, जो जहां पर आप लेटोगे उसके लिए आप एक मैट ले आइएगा, मैट या चादर कोई कुछ भी ले आइए, उस पर आप बिछाकर इजिली लेट पाओ, ठीक है। तो दोस्तों, ये है कांवर यात्रा की अपडेट, और यहाँ पर ये चीजें अगर आप ध्यान में रखते हो तो भाई आप एकदम सफलता पूर्वक आपकी भी यात्रा हो जाएगी।